नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ इतनी फटाफट बनने वाली और एकदम जबरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे देखकर आप तुरंत बनाएंगे और जिसे भी आप ये खिलाओगे ना, वो कहेंगे कि कैसे बनाई है या कहाँ से मंगवाई है। और घर पर रखी चीज़ों से ही बनाएंगे तो हर कोई इसे आसानी से बना सकता है। व्हिप क्रीम को हमें कैसे फेंटना है उसके 5 इजी टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। और ये देखिए, मैंने इसको मेरे ऊपर ही उल्टा कर दिया। स्टेप नंबर 1, यहाँ पर हमने 1.5 कप के जितना व्हिप क्रीम लिया है। यहाँ पर कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हो। स्टेप नंबर 2, हम धीरे धीरे इसे फेंटना चालू करेंगे और इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का ही यूज़ करना है। और हाँ दोस्तों, ये व्हिप क्रीम हम मिक्सर में नहीं फेंट सकते हैं। स्टेप नंबर 3, आपने देखा कि ये अपनी क्वांटिटी से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। अब स्टेप नंबर 4, आप देख सकते हो कि हमारा व्हिप क्रीम जो है मक्खन की तरह दिख रहा है। और स्टेप नंबर 5, और यहाँ पर देखिए स्टेप नंबर 5 की व्हिप क्रीम तैयार है। उसे चेक करने के लिए मैंने मेरे ऊपर ही उल्टा कर लिया। 1/2 कप के जितना मैंने व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट करके लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर मिल्की बार को भी डबल बॉयलर में मेल्ट करके ले सकते हो। 2-3 बूंदे मैंने वैनिला एसेंस की ले ली है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। फिर से इसे इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से मिक्स कर लेंगे। ख्याल रखें कि व्हाइट चॉकलेट जो है इसे मेल्ट करके ही लेना है। और 3-4 चम्मच के जितना मैंने टूटी फ्रूटी ले लिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट डालने के बाद इसमें बहुत अच्छी थिकनेस आ चुकी है। अब यहाँ पर आम का सीजन चल रहा है, तो मैंने यहाँ 2 बड़े आम को रफली कट करके ले लिया है। पहले चम्मच से मिक्स करके फिर से इसे इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आखिर में मैंने 3-4 ड्रॉप्स मैंगो इमेशल्स के ले लिए। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा और कलर भी आ जाएगा। और इसे हम अच्छे से ढक कर 3-4 घंटे के लिए फ्रीजर के अंदर रख देंगे। और तैयार है हमारा ये नया ठंडा कूल, आप इसे आइसक्रीम, डेजर्ट या फिर क्या नाम देंगे मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और यहाँ पर कोई स्कूपर की भी ज़रूरत नहीं है, चम्मच से ही हमने देखिए गोल गोल घुमाकर इसे निकाल लिया है। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जल्द मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।